Okay, so this is a part two of important question series. Part one मैंने अभी अपलोड किया है. पार्ट वन में वी हैव डिस्कस द एवरेज क्वेश्चंस. एवरेज क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट क्या हैं, शॉर्ट ट्रिक्स क्या हैं, और कुछ हमने क्वेश्चंस देखे कि वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस अगर आएंगे तो उनको कैसे सॉल्व करेंगे. अब हम बात कर रहे हैं अलजेब्रा की. अलजेब्रा में जब भी कोई क्वेश्चन आता है ना, उसके बीच में ये वर्ड्स गिवन होते हैं. ठीक है, पहले तो आप इन वर्ड्स को समझ लो कि आप इनको कैसे सॉल्व करोगे, सो दैट इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड सॉल्व इट इजली एंड विथ लेस इन टाइम. तो अगर हम बात करें कि मैंने ये 10, ये तो होते बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने सिर्फ 10 फ्री एग्जाम्पल निकाली है कि हो सकता है कि इनमें से आ जाए. इट इज योर लक. ठीक है, तो हम देखते हैं कि हम इनको कैसे सॉल्व करेंगे. अब यहाँ पहले लिखा है यूज नंबर्स एंड सिंबल टू ट्रांसलेट द एक्सप्रेशन. बेसिकली हम ये एक्सप्रेशन को सॉल्व करें जो कि हम बनाते हैं किसी भी इक्वेशन में वाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन. अब सबसे पहले मेरे पास आ रहा है द सम ऑफ 8 एंड x. सम का मतलब है प्लस, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे सिंपल कर दूंगी 8 प्लस x. 8 एंड x यानी इन दोनों का सम करना है, तो मैं इन दोनों को प्लस कर दूंगी जब भी इनका सम आएगा. ठीक है, जब भी इनकी कोई वैल्यू आएगी, एंड दैट इज 8. क्या आएगी? 8 प्लस x ही रहेगी, क्योंकि 8 इसके x जो है वो 8 में प्लस नहीं हो सकता. फिर हमारे पास आ रहा है द कोटेंट ऑफ j एंड 60. अब जब यहाँ कोटेंट लिखा हुआ आए तो आपको सिंपल कुछ नहीं करना. अगर आपको एक्सप्रेशन बनानी है तो j डिवाइडेड बाय 60 कर देंगे आप सिंपल. ठीक है, अब आ रहा है इफ 16 एडेड टू r, एडेड टू, ये बात याद रखने वाली है, एडेड टू है. तो यानी ये जो है ना 16 बाद में आएगा और r पहले आएगा, एडेड टू है. ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, r प्लस 16 लिखेंगे, 16 प्लस r नहीं लिखेंगे. फिर आ रहा है p डिक्रीज बाय 47, यहाँ डिक्रीज यानी कम यानी माइनस. ठीक है, तो p डिक्रीज बाय 47 की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास क्या आएगा, 12 माइनस p सिंपल. ठीक है, फिर मेरे पास आ रहा है y लेस देन 32, y जो है वो 32 से कम है. लेस अगेन माइनस है, वी यूज डिफरेंट वर्ड्स इन एलजेब्रा. लेस भी माइनस के लिए यूज कर रहे हैं, तो हम यहाँ सिंपल क्या कर देंगे, लेस देन 32. ठीक है, यानी y पहले लिखेंगे, उसके बाद ये लेस देन का साइन लगाएंगे और हम लिख देंगे 32. फिर मेरे पास आ रहा था प्रोडक्ट ऑफ 52 एंड x. 52 एंड x मैंने आपको बताया प्रोडक्ट क्या होती है, मल्टीप्लाई को कहते हैं. तो हम यहाँ सिंपल क्या करेंगे, 52 मल्टीप्लाई बाय के. ठीक है, फिर मेरे पास आ रहा है 5 डिवाइडेड बाय 2, ये तो बहुत सिंपल है, 5 नहीं है सॉरी f है, तो मैं क्या करूंगी, f को डिवाइड कर दूंगी 2 से, क्योंकि बाय के बाद जो नंबर दिया हुआ है वो नीचे आता है डिनोमिनेटर में. फिर आ रहा है 8 टाइम्स v, यानी मैं क्या करूंगी, 8 टाइम्स v कर दूंगी, तो टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई, तो 8 को v से मल्टीप्लाई करके मैं ऐसे लेकर आ जाऊंगी. फिर आ रहा है डब्ल्यू मोर देन 29, डब्ल्यू मोर देन, मोर यानी प्लस, तो मैं क्या करूंगी, w लिखूंगी प्लस 29 कर दूंगी सिंपल. फिर ट्वाइस द नंबर c, यानी ट्वाइस द नंबर c मैं क्या करूंगी, 2 टाइम्स ऑफ नंबर c कर दूंगी सिंपल. सो ये वो वर्ड्स हैं जो आपको पता होने चाहिए कि हम इनके एक्सप्रेशंस कैसे बनाएंगे वाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन. अब एक्सप्रेशंस के बाद कुछ सवाल देख लेते हैं जिनको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. ओनली दीज आर द फ्यू वन एंड आई हैव सेपरेटली फ्यू मोर. ठीक है, तो अब पहला सवाल कह रहा है, पहली चीज दैट यू नीड टू रिमेम्बर, कोई भी वेरिएबल गिवन हो, यहाँ ए गिवन है, यहाँ सी गिवन है, यहाँ एफ गिवन है, सो ऑन, कोई भी वेरिएबल गिवन हो, आपको वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है. अब क्या है, यहाँ पे 4 इज इक्वल टू 20, बहुत सिंपल है, यहाँ तो कुछ भी नहीं करना. ए इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे. ठीक है, 4 1 4 4 5 20, ए की वैल्यू आ गई आपके पास 5. अब यहाँ जो है, यहाँ आपको 2-3 नंबर दिए हुए, तो इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट. आपको करना क्या है, सी की वैल्यू निकालनी है. आप सिंपल क्या करोगे, 2c, ये यहाँ पे जो 1 है वो क्या हो रहा है, यहाँ पे माइनस हो रहा है, वहां जाके ऐड हो जाएगा, मतलब 12 हो जाएगा. फिर आप क्या करोगे, c की वैल्यू निकालनी है, तो 12 डिवाइडेड बाय 2 कर दोगे, 2 1 2 2 6 12, तो c की वैल्यू भी आ गई आपके पास, दैट इज 6. अब हम तीसरा सवाल देखते हैं जिसमें हम कह रहे हैं f की वैल्यू निकालनी है. f की वैल्यू कैसे निकालनी है, f-7 = 8, ये आ गया पहला स्टेप. अब आपको क्या करना है, इस 7 को उधर लेके जाना है, यहाँ ये माइनस हो रहा है, वहां जाके ये प्लस हो जाएगा, f = 8 + 7. जब आप इसके अंदर इसको प्लस करेंगे तो 8 8 16 होता है, 1 कम कर लें 15, तो यहाँ पे आपकी वैल्यू आ गई f की 15. ये 3 सवाल थे. अब इसके कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं.
अब इन दोनों सवालों का सॉल्यूशन देख लेते हैं। फोर क्वेश्चन फोर हमसे कह रहा है कि भाई जे की वैल्यू निकाल के दो। तो जे की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ये हम इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, ये हम इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो वी वुड हैव 3j माइनस 3 इज इक्वल टू 21। ठीक है, अब यहाँ पे ये माइनस हो रहा है तो वहां जाके हो जाएगा प्लस 3j इज इक्वल टू 21 प्लस 3। तो क्या हो जाएगा भाई, 3j इज इक्वल टू 24। हमें सिर्फ j की वैल्यू निकालनी है तो j इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाय 3। और जब हम क्या करते हैं, इसको इससे डिवाइड करते हैं 3 से, तो हमारे पास आ जाएगा j की वैल्यू, दैट इज 8। आसान था। अब यहाँ इस वाले सवाल को देख लेते हैं, इसमें भी हमें पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो ये 5 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ये 5 इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा 5k प्लस 5 टू द 10 इज इक्वल टू 45। हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें k की वैल्यू निकालनी है सिंपल। तो हम क्या करेंगे, 5k को अभी फिलहाल लिखेंगे, यहां से 10 को उधर लेके जाएंगे, यहाँ प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस, यहाँ प्लस है तो वहां जाके होगा माइनस। 45 माइनस 10 कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा 35। हमें k की वैल्यू निकालनी है तो हम k की वैल्यू निकालने के लिए इस 5 को इससे, यहाँ ये मल्टीप्लाई हो रहा है k से, वहां जाके इससे डिवाइड होगा। तो 5 के टेबल में 35 को पाते हैं 7 से आता है, तो k की वैल्यू हमारे पास आ गई 7। अब कुछ और सवाल देख लेते हैं। अब इन दोनों को देखते हैं कि ये कैसे सॉल्व होंगे। अब हमने देखा यहाँ तो कोई वेरिएबल ही नहीं है, तो भाई यही वेरिएबल है, ये ओ जीरो नहीं है, ये ओ है। ठीक है, क्योंकि वेरिएबल का होना लाजिम है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमें इस ओ की वैल्यू निकालनी है, तो इस 2 को 20 को हम कर देंगे यहाँ पे ले जाएंगे। ठीक है, तो हम जब यहाँ पे लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4 में से जब हम 20 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 16। लेकिन साइन क्या आएगा, माइनस का, क्योंकि जब मैं क्या करूंगी, इस 20 को 4 से माइनस करवाऊंगी तो मेरे पास बड़े की वैल्यू आएगी, यानी ये वाला साइन आएगा, दैट इज माइनस। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, ओ की माइनस 16। ठीक है, अब हम ये देख लेते हैं। अब इसमें आपको पता है कि ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो 4r हो जाएगा, 4 2 8 हो जाएगा और 24 आ जाएगा। अब ये 8 यहाँ पे क्या कर रहा है, इसके साथ, अब इसके साथ ऐड कर रहा है, वहां जाके माइनस करेगा, तो 4r 24 माइनस 8 हो जाएगा। जब मैं इसमें से 8 निकालूंगी तो मेरे पास कितना बचेगा, 24 में से 8 निकाल रही हूँ तो मेरे पास कितना बच रहा है, 16। और यहाँ पे मेरे पास 4r है, लेकिन हमें r की वैल्यू निकालनी है। जब मुझे r की वैल्यू निकालनी है तो मैं 16 को डिवाइड करवा दूंगी 4 से, तो 4 1 4 4 4 16 हो जाएगा। तो मेरे पास r की वैल्यू कितनी आ गई, 4। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। अब दो और क्वेश्चन देखते हैं कि ये कैसे सॉल्व होंगे। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे क्या आ गया, स्क्वायर रूट। अगर इस स्क्वायर रूट को हटाना है तो हमें इस वाले के ऊपर भी क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट। अगर मैं इसको w स्क्वायर कर रही हूं तो मेरे पास w स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 5। ठीक है, तो दिस इज द आंसर। अब इसके बाद मेरे पास है इसकी वैल्यू निकालनी है y की, तो हम क्या करेंगे, इस y को सेपरेट करने के लिए सबसे पहले जो 18 यहां पर है उसको उधर लेके चले जाएंगे। मेरे पास क्या आ जाएगा, 4 माइनस 4y इज इक्वल टू 2 माइनस 18। जब मैं 2 माइनस 18 करूंगी तो माइनस 16 हो जाएगा, माइनस 4y रहेगा, ये माइनस मैं यहीं पे कैंसिल आउट कर रही हूं, तो मेरे पास बचा y 16 अपॉन 4। तो 4 1 4 4 4 16 अगेन, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 4। सो दीज आर दी अलजेब्रिक क्वेश्चन। अब हम इसके बाद इसके तीसरे स्टेप, जो मैंने आपको बोला था कि मैं इसका थर्ड टॉपिक हम इसका स्टार्ट करेंगे इन माई नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, दैट विल बी पार्ट 3, ठीक है, ऑफ द वीडियो सीरीज। ये आज के लिए वीडियो सीरीज बनाई जा रही है, सो दैट यू कैन सिक्योर गुड मार्क्स इन मैथ्स। तो आप इनको जरूर देखें, समझें और प्रैक्टिस करें। सिर्फ यही सवाल नहीं, जब आपने तरीका समझ लिया तो आप कोई भी क्वेश्चन निकाल के उसको सॉल्व करें, एज मेनी एज यू कैन डू टू गेट मोर मार्क्स।